हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी पर। तो जैसे कि आप जानते हैं हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, हम इस समय क्या पढ़ रहे थे, किस किस प्रकार के सेंटेंस में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो हमने उसमें असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना था इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज कैसे होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो आज हम लाइन से शुरू करेंगे। पहले हम इंपरेटिव पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फिर एक्सक्लेमेटरी पढ़ेंगे, फिर उसके ढेर सारे एग्जांपल्स लगाएंगे जो अलग अलग प्रकार के रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको एक बार बता दें कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप हमारे रोज के वीडियो आ रहे हैं और लाइन से आप जानते हैं एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो आता है। तो अगर आप टॉपिक छोड़ देते हैं तो वाला आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए कोई वीडियो छूटे ना, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो नोटिफिकेशन आएगी नहीं और आपका वीडियो छूट जाएगा। तो इसीलिए बेल आइकन को जरूर दबाएं और उसके बाद अगर आप वीडियो एंड तक देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है लाइक शेयर जरूर करिए, और अगर आपको कहीं दिक्कत है या फिर कैसा वीडियो लगा वो हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं, आज हम क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट डायरेक्शन में आज हमें क्या पढ़ना है, ठीक। तो ये हमको आज डिस्कस करना है। इसमें क्या डिस्कस करना है हमें, हमारा टॉपिक क्या था आज, तीसरा टॉपिक हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है पता है आपको, इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस में जैसे आदेश हो गया, प्रार्थना हो गई, सलाह हो गई, तो ये सब आता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में हमें क्या क्या आता है, इम्परेटिव सेंटेंस में वहाँ क्या क्या आता है, कमांड्स, रिक्वेस्ट, देखिए आप लोग हमारे इसमें क्या क्या आ रहा है, कमांड्स। कमांड्स क्या चीज होता है, कमांड्स मतलब होता है हमारा आदेश। और यहाँ पे कमांड्स में हम एन लिखना भूल गए हैं, कमांड्स। ठीक, कमांड्स मतलब क्या होता है, आदेश। रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है, प्रार्थना। तो किसी से आप विनती या प्रार्थना कुछ करते हैं। और एडवाइस मतलब क्या होता है, परामर्श या सलाह, परामर्श या सलाह। ठीक, तो ये तीन चीज हमें इसमें पढ़ना है। तो देखिए आप लोग, कमांड्स, रिक्वेस्ट, एडवाइस। तो कमांड्स में हम क्या करते हैं, कमांड्स में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं। कमांड्स में हम ऑर्डर देते हैं। तो हमारा जो हम अभी तक जैसे टोल्ड लगाते थे, ठीक, सेड टू की जगह, और क्या लगाते थे इंट्रोगेटिव वाले में क्या लगाते थे, आस्क लगाते थे। तो इसमें हमारा सेंटेंस के हिसाब से या तो आस्क लगेगा और या तो ऑर्डर्ड लगेगा। ठीक, आज मतलब कहा यहाँ पे अर्थ है, और या तो आर्ट लगेगा सेंटेंस के हिसाब से, आर्ट या फिर ऑर्डर। ऑर्डर, ठीक, ये लगेगा। उसके बाद कंजक्शन हमारा क्या लगेगा, कंजक्शन हमारा डेट ही लगेगा। ठीक, कंजक्शन डेट लगेगा। और हमारा क्या लगेगा, कॉमा डोमिनेटेड कॉमा हट जाएगा, अंत में फुल स्टॉप आएगा। तो ये हमारा इसका बनाने का रूल है।
प्रार्थना के लिए क्या होता है, देखिए प्रार्थना मतलब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जहाँ आप सेड टू, इसमें आपने ऑर्डर लगाया, आर्क लगाए, वहां पे आपको क्या लगाना होता है, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड लगाना होता है, रिक्वेस्टेड लगाना होता है। सेड टू की जगह क्या आ जाता है, रिक्वेस्टेड आ जाता है। कंजक्शन आपका टू ही रहता है, कंजक्शन आपका डेट ही रहता है, और उसमें आपका जो रिक्वेस्ट किया है वो आके लिखेंगे, कॉमा डोमेटेड कॉमा हटा देंगे और फुल स्टॉप लग जाएगा। तीसरे वाले में क्या होता है, इसमें आपको किसी को सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो इसमें एडवाइस लग जाएगा, एडवाइस। तो जहां अभी तक आप रिक्वेस्टेड यानी कि सेट टू की जगह आपने अभी यहाँ ये डाला, यहाँ ये डाला, तो यहाँ पे एडवाइस लिखेंगे, ठीक, एडवाइस लिखेंगे, कॉमा डोमेटेड कॉमा हट जाएगा, कंजक्शन डेट का ही प्रयोग होगा और अंत में फुल स्टॉप लगेगा। तो ये आपका ऐसे बनता है। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा ये सब चीजें। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, उसके बाद इसी से आपको सारी चीजें एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल के माध्यम से ही आपको सारी चीजें समझ में आने लगती हैं। तो टीचर get out of my class, ठीक। तो ये आपका डायरेक्ट है। अब इसका इनडायरेक्ट क्या बनता है, देखिए यहाँ पे टीचर एक स्टूडेंट रमेश को ही है, इसको क्या करेगा, ऑर्डर देगा, ऑर्डर गेट आउट ऑफ माई क्लास, ठीक। तो क्या ये ऑर्डर देंगे ना, टीचर जो होंगे वो बच्चों को ऑर्डर देंगे कि मेरी क्लास से क्या हो जाओ, बाहर निकल जाओ। यहाँ पे गेट आउट फ्रॉम होगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे फ्रॉम होगा, ठीक। तो गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ, ठीक। तो इसका कैसे बनेगा इनडायरेक्ट देखते हैं। द टीचर सेट टू की जगह कंजक्शन क्या आएगा, ऑर्डर वाले में क्या आता है, ऑर्डर, ऑर्डर रमेश, इतना आपको समझ में आया। द टीचर ऑर्डर्ड, क्योंकि वो गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, ये एक ऑर्डर है, तो वहां पे ऑर्डर्ड लगेगा, आप जान रहे हैं। उसके बाद मेज टू, देखिए जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम कॉमा डिवाइडेड कॉमा हटाते हैं, टू लगा देते हैं, ठीक। टू गेट आउट, गेट बाकी सेंटेंस वैसे ही रहता है, गेट आउट फ्रॉम माय क्लास, तो ये आपका सेंटेंस हो गया, ठीक। द टीचर ऑर्डर्ड रमेश, अध्यापक ने रमेश को आदेश दिया टू गेट आउट फ्रॉम माय क्लास। इसमें कंजक्शन डायरेक्ट प्रयोग नहीं होता, इसमें टू लगाते हैं, टू से बनता है। तो ये पहला हमारा था। दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जांपल। तो दूसरा एग्जांपल हम क्या लेते हैं, कॉल द विटनेस फर्स्ट, सेड द जज। तो कभी कभी वाक्य में ऐसे उल्टा भी दे दिया रहता है,
जैसे कि जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो हमें पहले दे देता है और जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होता है वो बाद में देता है, तो इसको भी हम उसी तरह बनाते हैं। पहले रिपोर्टिंग स्पीच वाला बनाएंगे तो द जज, तो क्या बन जाएगा इंडायरेक्ट द जज, द जज सेड नहीं होगा। देखिए इसमें क्या होगा आपका बताइए, आप बताइए सेड होगा या कुछ और लगेगा। देखिए जज एक ऑर्डर तो देगा ना, कॉल द विटनेस फर्स्ट, गवाह को पहले गवाह को बुलाओ, तो ये ऑर्डर देगा द जज। जैसे उसमें आप सेड की जगह सेड डेट कर देते थे, डेट कंजक्शन लगा इसको जोड़ देते थे सेड के आगे, तो वो नहीं करना है इसमें ऑर्डर हो जाएगा। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, द टीचर ऑर्डर्ड, फिर कॉमन डिनोमिनेटर कॉमन हटता है तो क्या लग जाता है, यहाँ टू लग जाता है, तो द जज ऑर्डर्ड टू कॉल द विटनेस, बाकी सब ऐसे ही बन जाता है, कॉल द विटनेस पर। तो समझ में आया कैसे बना, जज ने ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया, आदेश दिया, द जज ऑर्डर्ड टू कंजक्शन लग गया, कॉल द विटनेस पर टू लगा के आगे का सेंटेंस वैसे उतार देते हैं। तो ये आज आपका था मेन टॉपिक, इसके बाद हम और भी एग्जांपल्स देखते हैं, अभी सिर्फ ऑर्डर्ड के हुए रिक्वेस्टेड एडवाइस का भी देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अब हम किसका एग्जांपल देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं रिक्वेस्ट का एग्जांपल, रिक्वेस्ट में कैसे बनता है हमारे सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो उसको हम देखेंगे। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन, तो देखिए इसका रोल क्या है, रिक्वेस्टेड में यदि प्लीज आता है तो उसको हटा देते हैं, ठीक, अगर सर या मैडम आता है तो उसकी जगह हम रिस्पेक्टफुली लगा देते हैं, कॉमा डिनोटेड कॉमा को हटा देते हैं और इसमें रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं सेट की जगह, ठीक, देखते हैं, ही सेड टू मी, सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, जल्दी इसका बनाते हैं, ही सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, रिक्वेस्टेड आ जाएगा, रिक्वेस्ट कर रहा प्लीज, रिक्वेस्टेड मी, प्लीज आता है तो उसको हटा देते हैं, रिमूव प्लीज, और यदि सर या मैडम आता है, सर या मैडम की क्या हो जाता है, रिस्पेक्टफुली, ठीक, तो प्लीज हट जाएगा, मी उसके बाद फिर टू कंजक्शन लगा बनाते थे, मी टू गिव, ठीक, तो इसमें आपको क्या देना, ध्यान देना है आगे का इजी है, तो टू गिव, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम, आई मी क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ही का क्या जाएगा, यदि आपने हमारे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख आइए, उसमें हम आपको सारे रूल्स पढ़ाए हैं, अगर आप उसको नहीं देखते हैं तो उसमें आपका बहुत दिक्कत होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा ज्यादा, तो इसके अनुसार चेंज आएगा, प्रोनाउन चेंजिंग हमने पढ़ाया है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, हिम योर, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हिज, यहाँ पे माई हो जाएगा, सॉरी
माय पेन, ठीक। तो ये इसका बन जाएगा, इजी था। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है हमारा, राम सेड टू मी। एक तो इस वाले तरीके से बना लेते हैं, सर मैडम वाले तरीके से, सर हेल्प मी। तो जो ऐसे बना रहता है उसका क्या हो जाता है, देखिए। तो इसका आप बनाइए, फिर आगे देखते हैं। इसका आप बना लीजिए पहले। तो बनाइए, तो क्या है ना, थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम थी, वही देख रहे थे, माइक लगाना भूल गए थे। तो देखिए इसका क्या बन जाएगा इनडायरेक्ट, राम सेड टू मी, सर हेल्प मी। तो सर वाले तरीका हमने आपको बताया था, सर का किस में चेंज हो जाता है, रिस्पेक्टफुली में, सर या मैडम चेंज टू रिस्पेक्टफुली। तो राम, तो सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, रिक्वेस्टेड मी, देखिए राम रिक्वेस्टेड मी। अब उसके बाद ही जो चेंज होना था वो चेंज अब उसके बाद ही होगा। सर का क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टफुली, सर की जगह आप कर दीजिए रिस्पेक्टफुली। रिस्पेक्टफुली फिर टू लगा दीजिए, टू लगा के बनता था ना, हेल्प मी है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, राम का साथ चेंज जाएगा हिम हो जाएगा। देखा आपने, अगर आप हमारे पहले के वीडियो देखते आ रहे हैं, लाइन से हमारे साथ पढ़ते चल रहे हैं, तब फिर आपको ये सब बहुत इजी लगेगा, आसानी से बन जाएगा इसका, राम रिक्वेस्टेड मी रिस्पेक्टफुली टू हेल्प हिम। तो चलिए इसके बाद हम एडवाइस का भी देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप, फिर हम एडवाइस का देखते हैं एग्जाम्पल। तो आगे देखते हैं, अब हम एडवाइस का एग्जाम्पल देखते हैं, एडवाइस वाला एग्जाम्पल कैसे होता है। एग्जाम्पल पहले देखिए, एडवाइस में रूल वही होता है, सेड टू की जगह हमारा एडवाइस रह जाता है, बाकी रूल हमारा पूर्ववत रहता है पहले की तरह। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, द डॉक्टर, द डॉक्टर सेड टू, देखिए इसमें क्या होगा, सेड टू की जगह अभी क्या आएगा, एडवाइस आ जाएगा, बाकी नियम हमारा पूर्ववत रहेगा। तो द डॉक्टर सेड टू द, सेड टू द पेशेंट, पेशेंट टेक, टेक कंप्लीट रेस्ट, ठीक। तो इसका इंडायरेक्ट क्या बनेगा, देखिए द डॉक्टर, द डॉक्टर एडवाइज हो जाएगा सेड टू की जगह, एडवाइज द पेशेंट, फिर उसके बाद वैसे बन जाएगा टू लगा के, आगे वैसे लिख देना है, टू टेक कंप्लीट रेस्ट। तो देखा आपने ये वाला कितना आसान था, बाकी नियम हमारा पूर्ववत है, बस हमारा सेट टू की जगह क्या आ गया, एडवाइस आ गया, बाकी हम वहां पे कंजक्शन हमने टू ही लगाया कॉमा डोमिनेटेड कॉमा हटा के, और बाकी सेंटेंस हमारा वैसे का वैसे ही हो गया। अगला एग्जांपल देखते हैं, माय एल्डर ब्रदर सेड डू नॉट स्मोक, डू नॉट स्मोक,
ठीक, डू नॉट स्मोक, तो इसका क्या बन जाएगा, इजी है, माय एल्डर ब्रदर, यहाँ पे भी एडवाइज्ड हो जाएगा, एडवाइज्ड टू एडवाइज, यहाँ पे क्या चेंज होता है ये आपको देखना है। डू नॉट किस में बदल जाता है, डू नॉट अगर आ जाए हमारे सेंटेंस में निगेटिव हो जाए तो डू को हटा देते हैं और नॉट लिख के उसके बाद टू लगा के बाकी वैसे लिख देते हैं सेंटेंस को, तो इसका बन जाएगा एडवाइज नॉट टू स्मोक। तो इसका क्या बन जाता है, माई एल्डर ब्रदर एडवाइज, नेगेटिव में था, हमारा सलाह दे रहा था डू नॉट स्मोक, तो इस पे हम डू को हटा देते हैं, हमारा रूल यही है, कहता है डू को हटा दीजिए और नॉट को लगा के उसके बाद टू लगा के जैसे बनता था वैसे बना दीजिए। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने इम्परेटिव सेंटेंस कंप्लीट कर लिया है, हमने कमांड्स पढ़ लिए हैं, उसमें रिक्वेस्ट पढ़ लिए, एडवाइस पढ़ लिए हैं। तो इसका आप और भी कहीं भी बुक मिले प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी हम आपको नहीं आता है इनडायरेक्ट बदलना वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, डायरेक्ट आप लिख दीजिए और इनडायरेक्ट हम आपको बना के उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देंगे। और इसके बाद फिर हम चैप्टर, अभी हमारा ऑपरेटिव और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस बचा है, उसको कंप्लीट करने के बाद हम आपके लिए खुद लेके आएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, बहुत सारे बनाएंगे, अच्छे अच्छे अलग अलग रूल्स रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपका एक वीडियो मिस ना हो पाए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी, आपकी वीडियो छूट जाएगी, फिर अगला वीडियो आ जाएगा तो आप सोचोगे कौन सा पढ़ें, फिर उसको छोड़ दोगे, तो वो रूल आपको नहीं समझ में आने वाला, तो इसीलिए आप बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलते हैं आज के लिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।